Now, children, let's move on to the next chapter, chapter number 55, and the name is Beyond Persons. So, we are going to learn about some special personalities here. The world has seen personalities beyond person. कुछ ऐसे लोगों को world ने देखा है जो person से आगे personalities हैं. There have been showmen, painters and writers who left a deep impact of their amazing skills. बहुत सारे ऐसे लोग थे, कुछ painters थे, कुछ writers थे, कुछ showmen थे जिन्होंने अपनी जो है बहुत amazing skills को हमें दिखाया. Here are some for you to identify given the brief descriptions. So yahan pe kuch logo ke bare mein likha hua hai, aapko unke name likhne hain. So you can see the first picture, born in a circus family. Ye jo person hai ye ek circus family mein paida hue the 1824 mein in France. He made his first public appearance at the age of 5. Jab ye 5 saal ke the, 5 and a half years ke, to inhone pehli apni public परफॉर्मेंस दी थी. इन 1859 ही रिग्ड अ हाई वायर अबव नाइग्रा फॉल एंड वॉक्ड ऑल द वे अक्रॉस. तो नाइग्रा फॉल के ऊपर इन्होंने लंबी सी एक तार बांधी, उसके ऊपर ये चल के इन्होंने दिखाया. हिज मोस्ट अमेजिंग स्टंट वॉज वेन ही कैरेड कुकिंग इक्विपमेंट्स विथ हिम टू मेक एंड ईट एन ऑमलेट ऑन हाई वायर. इनका जो सबसे अमेजिंग स्टंट था वो ये था कि उन्होंने एक लंबी तार बांधी और उसके ऊपर ये खाने की चीज़ें लेके जा रहे थे और उस पर वो ऑमलेट खा रहे थे. ही वॉज अ फर्स्ट पर्सन एवर टू डू सो. ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ऐसा किया. इनका नाम है चार्ल्स ब्लॉड डेन. नेक्स्ट, अ राइटर एंड स्कॉलर हु अचीव सक्सेस डिस्पाइट बींग डेफ ब्लाइंड एंड वर्चुअली म्यूट. ये एक राइटर हैं, एक स्कॉलर हैं और ये जन्म से ही डेफ थी, बहरी थी, ब्लाइंड थी, अंधी थी और वर्चुअली म्यूट थी, मीन्स बोल भी नहीं सकते. तो सोचिए, आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते और फिर भी इन्होंने कितना नाम कमाया राइटिंग. एक राइटर बनी और स्कॉलर बनी. एंड शी इज हेलेन केलर. नाउ चिल्ड्रन, द थर्ड वन इज एन एक्टर बेस्ट नोन फॉर हिज इनोसेंस. ये एक एक्टर थे और ये अपने इनोसेंस के लिए जाने जाते थे. नेचुरल एक्टिंग एंड शोमैनशिप, अपने नेचुरल एक्टिंग और शोमैनशिप के लिए जाने जाते थे. ही वॉज अ रिसेप्टर ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड. इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला था. एंड ही इज राज कपूर. बॉर्न इन 1265 इन फ्लोरेंस इटली. ये 1265 में फ्लोरेंस इटली में पैदा हुए थे. एंड ही वॉज ऑथर ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोएम. और ये एक ऑथर थे जो वर्ल्ड की जो सबसे ग्रेटेस्ट पोएम है उसके, द डिवाइन कॉमेडी. और इस पोएम का नाम है द डिवाइन कॉमेडी. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट पोएट्स टू राइट इन एन ऑर्डिनरी 5 लैंग्वेजेस. ये पहले ऐसे पोएट थे जिन्होंने 5 लैंग्वेजेस में लिखा था. ऑफ द पीपल रैदर दैन इन लैटिन. लैटिन भाषा में ना लिख के इन्होंने 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा था. इनका नाम है डैंटे एलिग्री. नेक्स्ट, अ फेमस कॉमेडियन ऑफ अ साइलेंट फिल्म एरा. ये एक बहुत ज़्यादा जाने माने कॉमेडियन थे जो साइलेंट फिल्म एरा चल रही थी उसमें. मीन्स वहाँ पे एक टाइम था जब फिल्म्स में आवाज़ नहीं आती, साइलेंट फिल्म हो गई थी. सोचिए, ऐसी फिल्म्स में ये कॉमेडी करते थे जिसमें कुछ बोलना ही नहीं है. ही बिकेम अ फेवरेट विथ सिनेमा ऑडियंस. ये फेवरेट बन गए सबके थ्रू हिज फनी मुस्टैच. इनकी जो फनी मूछ थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हो चुके थे. बॉलर हैट, बॉलर हैट काफ़ी ज़्यादा फेमस था. बैगी ट्राउजर और केन, तो इस अपीयरेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा फनी थे ये. इन मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स ही प्लेड अ सैड लिटिल ट्रैम्प. इन्होंने अपनी ज़्यादा से ज़्यादातर फिल्मों में एक सैड छोटे से बच्चे की रोल प्ले किया है. हु वॉज बलीड एंड कन्फ्यूज बाई स्ट्रॉन्ग अदर्स, जैसे हमेशा दूसरे लोग परेशान किया करते थे. इन 1972 ही गॉट अ स्पेशल ऑस्कर अवार्ड. और 1972 में इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला. एंड ही इज चार्ली चैपलिन. कॉमिक एक्टर्स हु क्रिएटेड अ फेमस डबल एक्ट. ये कॉमिक एक्टर्स हैं जिन्होंने डबल एक्ट परफॉर्म किया था, क्रिएट किया था. देयर ह्यूमर केम फ्रॉम द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द स्मॉल थिन कन्फ्यूज एंड बिग फैट एंड इरिटेबल पर्सनैलिटीज. तो अब आप अपने सामने देख सकते हो कि एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्मॉल, थिन था, कन्फ्यूज था
और जो दूसरा था वो काफ़ी ज़्यादा बिग फैट और इरिटेबल पर्सन था। तो इन लोगों ने मिलके अपनी कॉमिक टाइमिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है। इनका नाम है लॉरेल एंड हार्डी। नाउ द सेवेंथ वन इज बॉर्न इन 1859। ये 1859 में एलनबर्ग स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे। ही ट्रेन टू बी अ डॉक्टर बट वॉज नेवर वेरी सक्सेसफुल। इन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एट द एज ऑफ 32 स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेडिसिन। 32 के एज पे आते आते इन्होंने पढ़ाई मेडिसिन की छोड़ दी एंड टुक अप राइटिंग फुल टाइम और फुल टाइम राइटिंग करने लगे। ही बिकेम अ ग्रेट राइटर वो क्रिएटेड द फेमस डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी डिटेक्टिव बुक लिखी जिसका नाम है शेरलॉक होम्स एंड हिज नेम इज आर्थर कॉनन डॉयल। नेक्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर्स हर लार्ज अनयूजुअल बट ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स वन हर अ रेपुटेशन एज वन ऑफ द फोर मोस्ट स्कल्पचर्स ऑफ हर टाइम। सो ये जो पर्सन है आपके सामने इनके जो स्कल्पचर्स थे जो मूर्तियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी ब्यूटीफुल हुआ करती थी एंड इसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन मिली। ये जो है अपने टाइम की सबसे ज़्यादा फोरमोस्ट स्कल्पचरर थी। हर वर्क बिकेम एंटायरली एब्स्ट्रैक्ट। इनका वर्क जो है बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट था नॉट इंटेंडेड टू लुक लाइक और इवन सजेस्ट एनीथिंग इन पर्टिकुलर। मीन्स इतना ज़्यादा अच्छे से ही अपने आर्ट वर्क को करती थी कि इसमें आप कोई तरीके का सजेशन नहीं दे सकते। एंड शी इज़ बारबरा हेपवर्थ। नाइन्थ वन अ फेमस राइटर ऑफ नॉवल्स। ये एक राइटर हैं नॉवल्स लिखते हैं स्टोरीज लिखते हैं और पोएम्स लिखते हैं एडल्ट और बच्चों के लिए। ही रोड द जंगल बुक। जंगल बुक जो है इन्होंने ही लिखी थी मोगली की कहानी इन 1894। These stories made such an impact that the junior boy scouts were called wolf clubs from then on. इनकी कहानियाँ इतनी अच्छी थी इतनी impactful थी कि उस समय जो junior boy scouts थे उन्हें wolf club cubs के नाम से बुलाया जाने लगा। He was the first English writer to win the Nobel Prize for Literature in 1907. ये पहले English writer थे जिन्हें इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। ही इज रुडयार्ड किपलिंग। सिमिलरली नेक्स्ट वन अ मल्टी टैलेंटेड जीनियस हु लिव्ड ड्यूरिंग द रेनेसेंस। ये एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे जीनियस थे जो रेनेसेंस टाइम में भी रहे। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टू डिसेक्ट ह्यूमन बॉडीज टू फाइंड आउट हाउ मसल्स एंड बोन्स रियली वर्क। ये कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने ये ढूंढा कि मसल्स और बोन्स कैसे वर्क करते हैं। ही ऑल्सो डिज़ाइन अ फ्लाइंग मशीन नियरली 4000 ईयर्स अगो। 400 साल पहले उन्होंने एक फ्लाइंग मशीन भी बनाई थी बिफोर द फर्स्ट पावर्ड एयरक्राफ्ट फ्लू पहले एयरक्राफ्ट के बनने से पहले। सो व्हाट इज हिज नेम चिल्ड्रन यू हैव टू फाइंड इट आउट एंड राइट इट हियर। नाउ द 11th वन इज अ ग्रेट स्कल्पचर आर्किटेक्ट एंड पेंटर। ये एक स्कल्पचर हैं ये एक आर्किटेक्ट है और एक पेंटर भी हैं हु लिव ड्यूरिंग द रेनेसेंस। ये भी रेनेसेंस के टाइम्स रहे। ही वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्निफिशेंट डोम ऑफ द चर्च। ये जो चर्च सेंट पीटर्स चर्च है रोम में उसके जो डोम था जो स्ट्रक्चर था डोम का उसको बनाने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। So, what is his name, children? You have to find out and write it here. Now, next, born in 1770 Germany, 1770 Germany में ये पैदा हुए थे and he was one of the greatest and most original composers of all time. ये काफ़ी बड़े और original composer थे पूरी आप कह सकते पूरी दुनिया में। At the age of 28, he became hard of hearing. जब ये 28 years के हुए तो उनकी सुनने की तक शक्ति जो है जा चुकी थी and was completely deaf during the last few years of his life. जब इनकी life के थोड़े बहुत years बचे थे तो ये पूरी तरह से deaf हो चुके थे। He never heard some of his finest music. अपने द्वारा बनाए गए कुछ बहुत ही सुंदर प्यारे म्यूजिक्स को ये कभी सुन ही नहीं पाए। And what is his name, children? Find out and write it here. So you have to do all these three questions yourself.